हेलो फ्रेंड्स, मैं पुष्पन धाकड़ स्वागत करता हूँ आपका धाकड़ एकेडमी में। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले फ्यूचर टेंस के बारे में। फ्यूचर टेंस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस की सबसे पहले आते हैं हम पहचान पे। अगर किसी भी वाक्य के अंत में या फिर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे आता है तो समझ लीजिएगा कि वो आपका सिंपल फ्यूचर टेंस है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी विल और शेल। तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि शेल का मॉडर्न इंग्लिश में यूज नहीं करते टेंस में, सिर्फ विल का यूज करते हैं। इसलिए हम सिर्फ यहाँ पर विल यूज करेंगे और हमारी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब रहेगी विल। अब आते हैं मेन वर्ब पे। मेन वर्ब आपकी बहुत सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, नो कंफ्यूजन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए तो आते हैं हम सिंपल सेंटेंस पर। तो फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं बाजार जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा। आई विल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा। आई विल गो टू मार्केट। मैं इंग्लिश बोलूंगा, मैं इंग्लिश बोलूंगा। आई विल स्पीक इंग्लिश, आई विल स्पीक इंग्लिश। तुम खाना बनाओगे, तुम खाना बनाओगे। यू विल कुक फूड, यू विल कुक फूड। मैं टीवी देखूंगा, मैं टीवी देखूंगा। आई विल वॉच टीवी, आई विल वॉच टीवी। तो गाइस बिल्कुल सिंपल है फ्यूचर टेंस, तो सिंपल फ्यूचर तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब आते हैं हम नेगेटिव पर। तो नेगेटिव में वही हेल्पिंग वर्ब में नॉट लग जाता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। विल के साथ अगर हम नॉट लगाते हैं और इसको कंबाइन बोलेंगे तो वॉन्ट होता है। वॉन्ट वॉन्ट WON-T वॉन्ट। मैं टीवी नहीं देखूंगा, आई विल नॉट वॉच टीवी, या फिर आई वॉन्ट वॉच टीवी। तुम खाना नहीं बनाओगे, तुम खाना नहीं बनाओगे। यू वॉन्ट कुक फूड या यू विल नॉट कुक फूड। तुम गाना नहीं गाओगे, तुम गाना नहीं गाओगे। यू वॉन्ट सिंग अ सॉन्ग या फिर यू विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। वो इंग्लिश नहीं बोलेगा, वो इंग्लिश नहीं बोलेगा। ही वॉन्ट स्पीक इंग्लिश या ही विल नॉट स्पीक इंग्लिश। अब आते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पर, मीन्स क्वेश्चन में। इसमें आएगा हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका सब्जेक्ट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। क्या तुम खाना बनाओगे, क्या तुम खाना बनाओगे। विल यू कुक फूड, विल यू कुक फूड। क्या मैं खेलूंगा, विल आई प्ले। क्या मैं खेलूंगा, विल आई प्ले। क्या तुम टीवी देखोगे, क्या तुम टीवी देखोगे। विल यू वॉच टीवी, विल यू वॉच टीवी। क्या वो बाजार जाएगा, क्या वो बाजार जाएगा। विल ही गो टू मार्केट, विल ही गो टू मार्केट। अब आते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव पर। तो आपका हेल्पिंग वर्ब, देन आपका सब्जेक्ट, देन नॉट, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, या फिर वॉन्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या तुम बाजार नहीं जाओगे, क्या तुम बाजार नहीं जाओगे। वॉन्ट यू गो टू मार्केट, वॉन्ट यू गो टू मार्केट। क्या तुम गाना नहीं गाओगे, क्या तुम गाना नहीं गाओगे। वॉन्ट यू सिंग अ सॉन्ग या विल यू नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, क्या मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा। वॉन्ट आई गो टू स्कूल टुमारो, वॉन्ट आई गो टू स्कूल टुमारो। क्या तुम खाना नहीं बनाओगे, क्या तुम खाना नहीं बनाओगे। वॉन्ट यू कुक फूड, वॉन्ट यू कुक फूड। तो गाइज इसी के साथ आपका सिंपल फ्यूचर टेंस फिनिश होता है। होप यू गाइज आपको ये बिल्कुल समझ में आया, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो क्योंकि आपने अब तक पास्ट और प्रेजेंट पढ़ लिया है। तो फीडबैक सेक्शन में जरूर लिखें और अपने पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को, अपने कलीग्स को ये कोर्स जरूर रिकमेंडेड करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।